हेलो ऑल, वेलकम। स्वागत है आपका VS Fantasy प्रडिक्शन में। हम बात करने वाले हैं ECS क्रोटिया T10 मैच की, जो कि इस सीरीज का 25वां मैच होगा, जो सर ओलिवर स्प्राइट और लुबियाना के बीच में है। ये मैच 29 अक्टूबर को दोपहर के 1 बजे खेला जाएगा। वेदर की बात की जाए तो हल्की बरसात होने की संभावना है। वेन्यू जो रहेगा आपका मेलाडोस कैस्केड ग्राउंड जागरेब क्रोटिया का रहेगा। पिच रिपोर्ट बैलेंस विकेट है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 75-100 के बीच में या इससे थोड़ा सा ऊपर भी नीचे हो सकता है। अगर हम अपने SOS प्लेइंग 11 की अगर बात करें तो सैम हॉकटन आपको ओपनिंग करते हुए दिख जाएंगे। अपने शुरुआती मैचों में इन्होंने बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन उसके बाद के मैचों में इन्होंने बॉलिंग करना भी शुरू कर दी है। तो ये अब एक बेहतरीन पिक बन जाते हैं अपनी टीम के लिए और या किसी भी टीम के लिए। आप मेगा लीग खेलें या हेड टू हेड, इन्हें आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपको 10-10 ओवर के मैच में ओपनिंग कर रहे हैं और प्लस बैटिंग के साथ आपको 2 ओवर की बॉलिंग दे रहे हैं, जिसमें से 1 ओवर ये डेथ में लेके आते हैं। इनके अगर लास्ट के कुछ मैचों की बातें करें तो आप देखेंगे कि 34 रन बनाए इन्होंने लास्ट के ये कुछ मैचों की बात कर रहा हूँ। बाकी अगर ऐसे देखें तो वीडियो बहुत लंबा बन जाता है अगर शुरू से आखिर तक बताऊँगा, तो इसीलिए लास्ट के कुछ मैचों की बात कर रहा हूँ। बाकी आप देख सकते हैं, अगर पूरी डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो को पॉज कर सकते हैं। लास्ट के कुछ मैचों में 34 रन बनाए, 3 विकेट लिए 2 ओवर फेंकते हुए। उसके बाद के मैच में 13 रन बनाए, 2 ओवर फेंके, विकेट नहीं मिला। और नेक्स्ट मैच में इन्होंने 3 रन बनाए, 2 ओवर फेंके, 2 विकेट निकाले। लास्ट के 2 मैचों में इन्होंने 1 मैच में 3 और लास्ट मैच जो हुआ था वो अबॉन्डेड हो चुका था बरसात की वजह से। कृष्णा अधिकारी की बात करें तो इन्होंने अभी कुछ खास परफॉर्म नहीं किया है, बीच बीच में कुछ कहीं ना कहीं छोटी मोटी इनिंग कुछ अच्छी खेल दी हैं। तो अगर इनके अगर लास्ट मैचों की बात करें तो आप देखेंगे 1-47-0-18-8-0 और लास्ट मैच अवॉन्डेड हो चुका है। अनुपम सिंह की बात करें और इनके लास्ट मैचों की बात करें तो 2 ओवर 1 विकेट, 22 रन, 2 ओवर 1 विकेट, 46 रन, 2 ओवर विकेट नहीं, 1 रन, 1 ओवर विकेट नहीं, 4 रन, 2 ओवर विकेट नहीं और लास्ट मैच अवॉन्डेड हुआ। सिमरनजीत सिंह, इनकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन ये एक अच्छे प्लेयर हैं। अच्छे इसलिए हैं क्योंकि नंबर 4 पे आ रहे हैं और अभी तक इन्होंने जितने भी मैच खेले हैं लमसम उसमें इन्होंने 1 ओवर तो ज़रूर ही फेंका है। तो 1 ओवर में आप जानते हैं कि कभी कभार एक प्लेयर जो है 1 ओवर जब फेंकता है तो 1 से 2 विकेट ले जा सकता है, तो उस हिसाब से ये प्लेयर अच्छे हैं। अच्छे इसलिए क्योंकि नंबर 4 पर बैटिंग कर रहे हैं, एक नंबर 4 पर बैटिंग करना और उसके ऊपर से 1 ओवर फेंकना, तो ये एक अच्छी चीज़ है। सर उससे भी अच्छी चीज़ है कि इनकी परसेंटेज बहुत कम है। अगर आप मेगा लीग खेल रहे हैं तो आप इनको ट्रम कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्तिक गुप्ता की बात की जाए और इनके लास्ट मैचों की अगर बात की जाए तो आप देखेंगे कि 2 रन, 1 ओवर विकेट नहीं, 1 विकेट निकाला 2 ओवर फेंक के, 21 रन, 2 ओवर फेंक के, विकेट नहीं मिला, 1 ओवर विकेट नहीं और लास्ट मैच अवॉन्डेड हुआ। चेतन की बात करें तो इनके लास्ट के मैचों की आप देखेंगे 1 विकेट रन नहीं बने 1 मैच में और 2 विकेट निकाले 2 ओवर फेंक के, नेक्स्ट मैच ये खेले नहीं और लास्ट मैच अवॉन्डेड हुआ। जानी की बात करें तो मैक्सिमम मैच जो खेले नहीं हैं और इन्होंने 3 ही मैच अभी तक जो खेले हैं जिसमें अभी इसमें 1 रन बनाया, 2 ओवर फेंक के, विकेट नहीं, नेक्स्ट मैच में इन्होंने बैटिंग या बॉलिंग कुछ नहीं मिला और लास्ट मैच अवॉन्डेड हो गया। एफ़ जेंड्रिक की बात करें तो लास्ट के कुछ मैच इन्होंने खेले नहीं हैं और जो लास्ट मैच हुआ है वो बरसात की वजह से अवॉन्डेड हुआ है। कोई ख़ास पिक नहीं है, चाहे तो आप ड्रॉप कर सकते हैं, बीच बीच में बॉलिंग करा देते हैं ये कभी कभार। यूँ तो सभी मैचों में बॉलिंग कराइए लेकिन पूरे ओवर नहीं फेंकें, आप चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं। एक बैटिंग के मामले में देखा जाए तो काफ़ी नीचे आ रहे हैं, इसलिए आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। राजा फैजन की बात करें तो ये एक अच्छे पिक बन सकते हैं, ऊपर बैटिंग करने भी आते हैं, बाई चांस आपको बॉलिंग का भी बैकअप दे देते हैं, तो ये आपके परसेंटेज भी इनकी हाई है तो आप इनको लेके चलें, ज़रूर लेके चलें।
लास्ट के मैचों की अगर बात करी जाए तो दो मैच खेले नहीं है लास्ट के मैचों में, शुरुआती मैचों में भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, बीच बीच में इन्होंने अच्छा किया हुआ है। दो मैचों खेल नहीं खेलने के बाद इन्होंने एक मैच खेला जिसमें एक ओवर फेंका विकेट नहीं, और लास्ट मैच अवांटेड बरसात की वजह से। अदीकुर रहमान की बात की जाए लास्ट के कई मैच इन्होंने नहीं खेले हैं, और उससे पहले के जितने भी मैच खेले इन्होंने सब में अपने दो ओवर कंप्लीट किए हैं, तो ये अनुमान है कि ये अपने मैच ओवर कंप्लीट फेंकेंगे तो इन्हें टीम में ज़रूर लेके चलें। डूजे की अगर बात करें तो इन्होंने काफ़ी मैच नहीं खेले हैं, और जितने चार मैच खेले हैं उसमें इन्हें बैटिंग और बॉलिंग का मौका नहीं मिला है, तो आप इन्हें सीधे ड्रॉप कर दें, कोई खास पिक नहीं है। लास्ट मैच अवॉन्डेड हो चुका था उस वजह से इन्हें और मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग का ओवर आपके लिए लेके आते हैं अनुपम सिंह, कार्तिक गुप्ता, फायजा राजा, फैजान, सिमरन जीत सिंह, डेथ ओवर में सैम, जानीमन एंड सिमरनजीत सिंह। इनकी टीम से अगर किसी प्लेयर को लेने की बात की जाए तो सैम, कृष्ण अधिकारी को ट्राई कर सकते हैं, अनुपम सिंह, सिमरनजीत सिंह, कार्तिक, चेतन अत्री और राजा फैजान, अतीकुर रहमान, ये प्लेयर आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सामने वाली टीम में कुछ इतने खास पिक है नहीं। लुधियाना की अगर टीम की बात करें LJU प्लेइंग 11 की, तो रणजोत सिंह ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे, दो मैचों में इन्होंने 1 और 14 रन बनाए हैं। सुधाकर की अगर बात करें तो ये प्लेयर एक लेने वाले प्लेयर हैं, इसलिए ये लेने वाले इसलिए प्लेयर हैं क्योंकि ये बैटिंग के साथ आपको बॉलिंग का बैकअप दे रहे हैं। आपको कुछ भी अगर ये प्लेयर अगर आपकी टीम में नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है कि रिस्की हो जाए, क्योंकि बैटिंग के साथ बॉलिंग प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्होंने पहले मैच में 16 रन, एक ओवर विकेट नहीं, दूसरे मैच में रन नहीं बनाए, दो ओवर फेंके विकेट नहीं, हालांकि इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी आप इन्हें मेरी समझ से तो लेके चलना चाहिए, आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का बैकअप मिल रहा है। अजीज अली ये भी आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग का मौका दे रहे हैं, 6 रन पहले मैच में, 1 ओवर 1 विकेट, दूसरे मैच में 23 रन, 2 ओवर विकेट नहीं। तरुण शर्मा को ट्राई कर सकते हैं आप, 16 पहले मैच में, दूसरे मैच में 14। बगैर खान कुछ खास पिक नहीं है, छोड़ सकते हैं, 1 और 4 और 1 की इनिंग है। संधु की बात की जाए तो पहला मैच खेले नहीं, दूसरे मैच में 1। ओमकार नाथ की बात की जाए तो पहले मैच में इन्होंने 2 ओवर फेंके विकेट नहीं, दूसरे मैच में 13 रन बनाए, 1 ओवर विकेट नहीं। शिनवारी की बात की जाए तो पहले मैच में जल्दी आउट हो गए, बैटिंग का मौका मिला, 2 ओवर फेंके विकेट नहीं, और लास्ट मैच जो इन्होंने खेला है दूसरा अपना उसमें 1 विकेट निकाला 2 ओवर फेंकते हुए। अयाज कुरैशी की बात की जाए तो पहले मैच में बैटिंग या बॉलिंग का मौका नहीं, दूसरे मैच में सिर्फ 1 ही गेंद फेंकी और विकेट नहीं मिला। उम्र राज की बात की जाए तो पहला मैच खेले नहीं, दूसरे मैच में 1 विकेट 2 ओवर फेंकते हुए। हसन अहमद की बात की जाए तो पहला मैच खेले नहीं, दूसरे मैच में बैटिंग या बॉलिंग का मौका नहीं मिला। स्टार्टिंग ओवर आपके लेके आएंगे मिरवाइज सिरवानी, एजाज अली, सुधाकर, ओमकार नाथ, डेथ ओवर में आपके लिए नजर आएंगे बुमराह, सुधाकर, एजाज अली एंड अयाज कुरैशी। इनकी तरफ से अगर प्लेयरों के लेने की बात की जाए तो सुधाकर, एजाज अली और ओमकार नाथ को ट्राई कर सकते हैं आप, इसके अलावा तरुण शर्मा को ट्राई कर सकते हैं। अगर आप तरुण शर्मा को ट्राई नहीं करना चाहते तो आप एन सिरवानी को ट्राई कर सकते हैं। अगर हम अपनी प्लेइंग 11 की बात करें तो अभी तक जो हमारी प्लेइंग 11 है ये कंफर्म प्लेइंग 11 नहीं है, ये सिर्फ एक डेमो टीम है। कंफर्म प्लेइंग के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।